बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारा सा ट्राउज़र का डिज़ाइन लेके आए हैं। उसके सबसे पहले हम अपनी लेंथ देखेंगे। ये तकरीबन 13 साल बच्ची की मैं का ट्राउज़र बनाने लगी हूँ। तो मैंने नीचे 4 इंच पे पेंट एक्स डालने, इसलिए मैं 4 इंच कम लूँगी और 1 इंच ये हमारी लैस का डिज़ाइन जाएगा। ये एक ही सामने रखना है, 1 इंच ये डिज़ाइन जाएगा, तो हमने तकरीबन 5 इंच कम रखना है। आधा इंच हम मार्जिन छोड़ेंगे, इस तरह से रख के हम इसे, और 2 इंच हमारा जाएगा इलास्टिक में। इस तरह से हमने ये 2 इंच इलास्टिक के लिए रखना है और 30 इंच हम लंबाई रखेंगे, आधा इंच सिलाई में रखेंगे। अब हम ये पीस अलहदा कर लेते हैं। पंद्रह इंच हम इधर रखेंगे, 2 इंच लास्ट के लिए छोड़ के, 13 इंच का हम आसन रखेंगे। इस तरह से हम 5 इंच हम 8 इंच रखेंगे, 5। अब हम इसे इस तरह से 3 इंच अंदर की तरफ रखेंगे हम। पांचे की पट्टी ली है, 1 इंच तक ये पट्टी है, ये पांचे वाले मैंने पट्टी ली है क्योंकि हमने छोटे छोटे कट बनाने हैं। अब हम इसे डबल कर लेते हैं। इस तरह से आसानी से हमारे बन जाएंगे।
निशान लगा लिए। अब मैं इस तरह से डबल रख के इसकी कटिंग कर लूंगी। इस तरह से ये मैंने कपड़े पे लगा लिया। अब हम इसके नीचे लगाने के लिए कपड़ा लेंगे। ये तकरीबन 2 इंच मैंने कपड़ा लिया। सवा 2 इंच ये कपड़ा मेरा, ये मैं इसे इसके नीचे रखूंगी और इस तरह से ये ऊपर रखेंगे और इधर मैं सिलाई लगाऊंगी इसके साथ साथ और इसे सीधा कर लूंगी। ये मैंने सीधे कर लिए। अब हम इसके नीचे लैस लगाएंगे। इस लैस के हम ये 2 हिस्से करेंगे। पीस लैदा कर लिया। अब हम इसे इस तरह से इस तरह इसके साथ लगाएंगे। इसके ऊपर ऊपर हम ये जो हमने कट बनाए इनके ऊपर ऊपर सिलाई लगाएंगे। 4 इंच का जो मैंने पीस आपको बताया था ये मैंने पिनटेक्स उसमें डाले हैं। अब हम इसे इस तरह से इसके साथ लगाएंगे और इस तरह इस पे हम सिलाई लगाएंगे। ये मैंने लगा ली है, इस तरह से ये लगानी है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके नीचे ये कपड़ा मैंने लिया 4 इंच का। इसके दरमियान में हम ये लैस लगाएंगे। इसके ऊपर हम ये सिलाई लगाकर इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये मैंने लैस लगा ली है, अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। तो ये सिलाई लगाकर ये मैंने फाइनल कर लिया है। ये देखिए कितना सिंपल सा है और प्यारा लग रहा है। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।